हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है स्कूल के अंदर, फटाफट कमेंट करना। और एक चीज़ ज़रूर बताओ, क्या आपके स्कूल के अंदर कुछ रूल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ता है? हाँ भैया, हमारे स्कूल के अंदर कुछ रूल्स हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, फॉर्मल शूज़ भी पहनने पड़ते हैं, और स्कूल बैग तो होना ही चाहिए, और स्कूल बैग के अंदर जो भी नोटबुक्स और बुक्स हैं उन्हें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लाना होता है। बिल्कुल मोटूराल, शायद और भी बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं तुम्हारे स्कूल के, लेकिन ऐसे ही ये जो रूल्स हमें पूरे चाहिए होते हैं एक स्कूल को चलाने के लिए, ऐसे ही किसी भी कंट्री को रन करने के लिए कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। उन रूल्स को सब लोग फॉलो करते हैं जो उस कंट्री के अंदर रहते हैं। आखिरकार ये रूल्स लिखे कहाँ होते हैं? ये लिखे होते हैं एक बुक के अंदर। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के रूल्स, जो सारे रूल्स हैं वो किसके अंदर लिखे होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। अब आखिरकार एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन है सेट ऑफ रूल्स, बहुत सारे रूल्स एक जगह लिखे हुए हैं जो इंडिया के लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसी चीज़ को। कॉन्स्टिट्यूशन से हमें एक कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम भी पता चलता है। पॉलिटिकल सिस्टम मतलब कि क्या वो कंट्री डेमोक्रेसी है या मोनार्की है, आगे हमें पता चलेगा इन दोनों वर्ड्स का मतलब। कॉन्स्टिट्यूशन से एक और चीज़ होती है, देखो जो हमारे लीडर हैं जिनको हमने चूज़ करा है वो तो बहुत पावरफुल है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इस चीज़ से भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स होते हैं कि लीडर्स भी अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते, मतलब वो इतने पावरफुल हैं तो वो कुछ भी गलत काम नहीं कर सकते। अब देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की मैंने बात करी थी, एक होती है डेमोक्रेसी और एक होती है मोनार्की। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है जहाँ पर आप वोट देते हो और अपने लीडर को खुद चुनते हो। और मोनार्की के अंदर क्या होता है, जैसे राजा को आपने चुना नहीं, राजा तो राजा था तो राजा रहेगा, इस तरीके से इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मोनार्की। और डेमोक्रेसी किस सिस्टम को बोलते हैं, जहां पर हमने वोट दिया और लीडर को चुना। इन दोनों ही गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन यहां पर देखो डेमोक्रेसी वाली जो गवर्नमेंट हो गई, यहां पर लोग वोट देके गवर्नमेंट को जितवा रहे हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होंगे तो लोग उस गवर्नमेंट को वोट नहीं देंगे जिस गवर्नमेंट ने अच्छे से काम नहीं करा। तो यहां पर डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट क्या है, ज़्यादा अच्छी है। और मोनार्की वाली गवर्नमेंट में क्या है, राजा है, राजा को कोई हटा ही नहीं सकता, तो वो जब चाहे तब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी नया रूल ऐड करवा सकता है, जब चाहे वो चीज़ कर सकता है। तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, देखो इम्पॉर्टेंट ये है, जो डेमोक्रेसी है ये वाला जो हमारी गवर्नमेंट होती है, इस गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि ये चीज़ इंश्योर करी जाती है कि जो डोमिनेंट ग्रुप है, मतलब जो ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, वो लेस पावरफुल लोगों को दबाए या फिर सताए नहीं। जैसे देखो यहाँ पर जो ये जियान है, ये बेचारे नोबिता को बहुत तंग करता है, लेकिन ये कब हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो पा रही है मोनार्की की गवर्नमेंट में, जहाँ पर जो पावरफुल लोग हैं वो लेस पावरफुल लोगों को सताते हैं और दबाते हैं। लेकिन यहीं पर अगर डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट होती तो वो क्या करती, जो डोमिनेंट मतलब जो पावरफुल लोग हैं वो लेस पावरफुल लोगों को भी इक्वली ट्रीट करें और सब लोग एक साथ मिलके रहें। तो डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट में ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोगों का मानना ये भी होता है कि जो मोनार्की है वो बेटर है, मतलब जो राजाओं का शासन हुआ करता था वो बेटर था। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ को मानते हैं, बट रियलिटी में जो डेमोक्रेसी है वो वाकई में सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूं। अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडिया के कुछ रूल्स की बात करते हैं। तो शुरुआत होती है ब्रिटिशर्स से, हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल करा करते थे।
जब हम लोगों को लगा कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ बहुत गलत करा है, हमारे ऊपर इतने सारे अत्याचार करे हैं, तो हम लोगों ने फाइनली डिसाइड करा कि हम लोग अब ब्रिटिशर्स के अंडर वर्क नहीं करेंगे। अब इंडिया को एक फ्री डेमोक्रेसी बनाने की लोगों ने सोचा, क्योंकि अभी तक लोग ब्रिटिशर्स के अंडर काम करते हुए आए थे। और इस डेमोक्रेसी के अंदर लोगों ने सोचा कि ऐसा होना चाहिए कि हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिले और हर किसी को परमिशन हो कि वो गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। मतलब क्या, जैसे मान लो कोई वुमेन है, वो चाहती है कि मैं भी क्या करूं, मैं भी इलेक्शन के अंदर एज अ लीडर खड़ी हूं। अब लोग उसे वोट करें या ना करें वो एज पर लोगों की चॉइस है, लेकिन वो वुमेन चाहती है कि मैं पार्टिसिपेट करूं। तो पहले ऐसी परमिशंस नहीं हुआ करती थी, अलाउड नहीं होता था, लेकिन अब जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये चीज़ें अलाउड हों, तो लोगों की ये डिमांड थी। अब देखो क्या होता है, जब हम लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो लोग ऐसे एक साथ आते हैं अलग अलग, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो एक वर्कर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, ये सब लोग अपना अपना वोट देते हैं और एक लीडर चूज होता है, ठीक है। लेकिन अब जब लॉज की बात हो रही है तो सिर्फ एक ये डेमोक्रेसी वाला लॉ ही नहीं, और भी बहुत सारे रूल्स थे, लॉज थे जिन्हें बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और ये इतने आसान तो नहीं होने वाले क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, तो इसके लिए बहुत सारा टाइम लगा और इसके लिए एक स्पेशल असेंबली बनानी पड़ी, जिसे हमने बोला है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसको बनाया गया था 1946 के अंदर, जिसके अंदर 300 मेंबर्स थे। और पता है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में ही, ये सारे रूल्स और ये सारे रेगुलेशंस बनाने में ही 3 साल लग गए थे। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है तो 1 या 2 दिन में तो रूल्स और रेगुलेशन बना नहीं सकते, 3 साल लगे थे इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने में, टू राइट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखी गई थी जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, वो ये थी कि सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिले। मतलब कि चाहे कोई हिंदी बोलता हो, या कोई इंग्लिश बोलता हो, या कोई गुजराती बोलता हो, या कोई मराठी बोलता हो, उन सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। ऐसा नहीं है कि अरे भाई तुम इंग्लिश बोल रहे हो, चलो ठीक है तुम प्राइम मिनिस्टर, अच्छा तुम हिंदी बोल रहे हो, तुम चीफ मिनिस्टर, अच्छा तुम गुजराती बोल पा रहे हो, चलो तुम तो कोई नॉर्मल से मिनिस्टर बना दिए, कोई छोटा मोटा मिनिस्टर बना देते हैं तुम्हें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आप बोल रहे हो उसके बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाए, मतलब आपके साथ गलत व्यवहार ना हो। दूसरा, आपका रिलीजन कोई भी हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप ईसाई हो, आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर जो डिस्टिंक्ट कल्चर्स थे, अलग अलग कल्चर के लोगों के, अलग रिलीजन के लोगों के, या फिर जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोगों के, उन सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए बैठे पूरा डिटेल में तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम हमें लग जाए, लेकिन हम लोग बुक के अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ वेरियस की फ़ीचर्स को समझने वाले हैं। तो जैसा हमें बुक में बताया गया है, तो वेरियस की फ़ीचर्स मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेडरलिज्म। हमारी कंट्री के अंदर फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रन होती है। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के अंदर ही अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे सेंटर, स्टेट, पंचायती राज। कुछ समझ में नहीं आया, चलो एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले, अगर आपको क्लास के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप किसके पास जाओगे? क्लास टीचर के पास। अब मान लो क्लास टीचर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, फिर किसके पास जाओगे? प्रिंसिपल के पास। अब प्रिंसिपल मैम भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, तो किसके पास जाओगे? स्कूल के ओनर के पास। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों के पास अलग अलग पावर हैं। अब अगर मैं इन तीनों में पूछूं कि सबसे पावरफुल कौन है, तो बोलोगे सर स्कूल का जो ओनर है, जो स्कूल का मालिक है, वो सबसे पावरफुल है, उसके बाद प्रिंसिपल मैम, उसके बाद क्लास टीचर। इस तरीके से हमारी क्या है, स्कूल के अंदर लेवल ऑफ पावर वर्क करती है। लेकिन अगर इसकी बात करें कैसे हमारी कंट्री के अंदर वर्क करती है, तो देखो सबसे पहले आती है पंचायती राज। पंचायती राज के अंदर कुछ पंचायत के लीडर्स होते हैं, वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं, हमारी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के बाद आती है सेंटर गवर्नमेंट। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम पंचायती राज सॉल्व नहीं कर पा रहा, आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जाओगे, वो भी नहीं सॉल्व कर पा रही, तो किसके पास जाओगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। इस तरीके से कुछ पावर वर्क करती है। अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, ये पूरी कंट्री के ऊपर रूल कर रही होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अब ऐसा क्यों हुआ है, मेन रीज़न क्या है इस चीज़ का होने का? सोचो, अगर आपको आपके एरिया के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है,
मान लो आपके घर के पास में पानी नहीं आ रहा, तो आप किसके पास जाओगे? आप अपने पंचायती राज या फिर अपने लोकल लीडर के पास जाओगे। ऐसा थोड़ा है कि अगर आपके घर में पानी नहीं आ रहा तो आप सीधे प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच जाओगे। अच्छा हाँ, वो पानी की प्रॉब्लम अगर आपका लोकल लीडर सॉल्व नहीं कर रहा तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? अपनी स्टेट गवर्नमेंट के लीडर के पास कि सर ये जो हमारा लोकल लीडर है ये हमारे वाटर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा। मान लो आपका ये जो स्टेट लीडर है ये भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, स्टेट गवर्नमेंट भी सॉल्व नहीं कर रही, तो फिर किसके पास जाओगे? फिर जाओगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो एक ये प्रोसेस है जिस वाइज आपको चलना पड़ता है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म देखने को मिलती है गवर्नमेंट की, जिसके अंदर क्लियरली ये चीज़ गारंटेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब ये है कि हर एक पर्सन जो हमारी कंट्री का है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, चाहे उसका कलर कुछ भी हो, चाहे वो गोरा हो चाहे वो काला हो, वो क्या कर सकता है? वो वोट दे सकता है और पार्टिसिपेट भी कर सकता है एज अ लीडर इन इलेक्शन। किसी भी इलेक्शन के अंदर चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, चाहे उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा भी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आप देख सकते हो ये दोनों लोग भी इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनको पहले अलाउड नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट, फिर थी सेपरेशन ऑफ पावर। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेपरेशन ऑफ पावर। हमारी ही कंट्री के अंदर जैसे अभी हमने देखा कि ये तो क्या था, ये कि पूरा हमने फेडरलिज्म के अंदर देखा था कि कैसे अलग अलग लीडर्स होते हैं, जैसे सबसे पहले पंचायती राज, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन इसके बाद भी कुछ सेपरेशन ऑफ पावर करा हुआ होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देखो, सबसे पहले जो भी पॉलिटिकल वाली चीज़ें हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेचर। ठीक है, यहाँ पर जो भी जिन भी लोगों को हम लोग वोट देते हैं वो लोग होते हैं प्रेजेंट। इसके बाद मान लो जैसे कि हमारे लेजिस्लेचर के अंदर हमने इन तीन लीडर्स को सेलेक्ट करा, तो मान लो यहाँ पर हमारे यहाँ पर पंचायती राज है, उसने एक रूल बनाया कि जिस भी इंसान ने मास्क नहीं पहना उस पर 2000 रुपीज़ का फाइन लगेगा। अब पंचायती राज के जो लीडर्स हैं इनका काम क्या है? इनका काम है रूल्स बनाना। लेकिन अब इन्होंने रूल तो बना दिया, अब इस रूल को कोई फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है ये कैसे पता चलेगा? इस चीज़ को हैंडल करते हैं एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर नेक्स्ट कौन आते हैं हमारे लेजिस्लेचर के बाद स्टेट के अंदर? एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव आए कोई, तो अब एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? एग्जीक्यूटिव बोलते हैं कि भाई जो मास्क नहीं पहनेगा चलो लाओ फाइन दो हमें, जिसने भी मास्क नहीं पहना होगा उस पर क्या करेंगे, ये 2000 रुपीज़ का फाइन लगा देंगे। भैया मेरे साथ ऐसा हुआ है एक बार, एक पुलिस वाले अंकल थे जो मुझसे बिना मतलब चिढ़ते थे, मैंने मास्क लगाया हुआ था फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर फाइन लगा दिया कि मैंने मास्क नहीं लगाया। अरे मोटूलाल ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत करा उस पुलिस वाले ने, लेकिन फिर बेटा तुमने क्या करा? भैया मैं तो कोर्ट में चले गया था, वहाँ पर जज साहब ने उस पुलिस वाले को पनिशमेंट भी दी और मेरा फाइन भी हटा दिया। वाह मेरे तो मजे आ गए। बिल्कुल, जुडिशरी मतलब कि कोर्ट। कोर्ट क्या कर सकता है? मान लो आपको कोई रूल है जो कि गवर्नमेंट ने बनाया, जैसे कि लेजिस्लेचर ने कोई रूल बनाया, या फिर कोई एग्जीक्यूटिव है जो आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, तो इस चीज को आप कहाँ पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हो? इसको आप रिपोर्ट कर सकते हो टू जुडिशरी। अच्छा, जुडिशरी आपको बिल्कुल फेयर डिसीजन देने वाली है हमारी गवर्नमेंट की, क्योंकि जुडिशरी को कोई भी कंट्रोल नहीं करता। अब इस तरीके से ये तीनों लोग मतलब कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे के ऊपर ध्यान रखते हैं कि कोई भी कुछ गलत स्टेप ना ले। अगर कोई भी कुछ गलत स्टेप लेगा तो उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। मान लो अगर कोई गवर्नमेंट के अंदर लीडर है जो कुछ गलत रूल्स बना देता है जिससे सिर्फ उसका फायदा हो रहा हो, तो इस चीज़ को अगर आप कोर्ट में जाकर बोलोगे जज को, तो वो उस लीडर को हटवा भी सकते हैं। तो इतनी पावरफुल होती है हमारी जुडिशरी। सेम यहाँ पर कोई एग्जीक्यूटिव है, जैसे पुलिस ऑफिसर है जिसने मोटूलाल के ऊपर गलत फाइन लगाया था, तो उसके खिलाफ ज़रूर कोर्ट ने कुछ ना कुछ एक्शन लिया होगा और मोटूलाल का फाइन भी माफ़ कर दिया कोर्ट ने। तो इस तरीके से ये तीनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं कि ये कुछ भी गलत ना करें। फिर आते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। कुछ राइट्स हैं जो हमारी कंट्री में हर एक सिटीज़न के पास होते हैं, जैसे कि हम लोगों को बोलने की आज़ादी है, हम जो चाहे वो बोल सकते हैं। दूसरा, हम लोगों को एक और चीज़ की आज़ादी होती है, वो क्या चीज़ है? राइट टू एजुकेशन। चाहे आपका कलर कोई भी है, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, आपको राइट टू एजुकेशन, आप पढ़ाई कर सकते हो। सर बोलने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी तो हर जगह होती है। नहीं, चाइना में आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, अगर आपने बोला तो जेल में डाल देते हैं चाइना वाले लोग और चाइना की गवर्नमेंट। तो इस वजह से
हमारी कंट्री के अंदर ऐसा नहीं है। आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कहीं पर भी कुछ भी खड़े होकर बोलो, और क्योंकि हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, यहाँ पर देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एक और चीज़ का भी ध्यान रखता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, मतलब जो लोग थोड़ी कम क्वांटिटी के अंदर हैं, और मेजॉरिटी मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हैं, वो ऐसा ना करें कि माइनॉरिटीज़ को दबाएँ या सताएँ। जैसे कि देखो, जियान है, जियान क्या है, जियान के साथ पूरी की पूरी क्लास है, और ये बेचारा नोबिता बेचारा अकेला है, तो इस वजह से जियान क्या करता है, नोबिता के ऊपर अटैक कर देता है कि भाई देखो मैं तो क्या हूँ, मैं मेजॉरिटी में हूँ, और जो तुम लोग हो वो माइनॉरिटी में हो, बस नोबिता तुम हो और तुम्हारे साथ डोरेमोन है। तो इस वजह से इनसे डरा धमका के कुछ भी काम करवा लेता है। तो ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बैन है, मना है कि ऐसा कोई भी नहीं करेगा। जो मेजॉरिटी है वो बिल्कुल भी माइनॉरिटी वाले लोग, मतलब जो कम लोग हैं, उनको डराएगी या फिर धमकाएगी नहीं। इसके बाद आता है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो अगर आप हिंदू हो तो आपको, आपके लिए कुछ बेनिफिट देगा स्टेट, कि आपको है ना, आपको हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पैसे देंगे, आपको टैक्स नहीं पे करना, या फिर आपके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। तो हमारी कंट्री के अंदर सेक्युलरिज्म है, मतलब हर एक स्टेट के अंदर आप जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप हिंदू या फिर मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन हो या फिर और कोई आपका धर्म है सिख हो तो उसके बेसिस पे आपको जज करा जाएगा, आप सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। व्हाई इज़ दिस, दिस इज़ बिकॉज ऑफ सेक्युलरिज्म। तो हमने 5 पॉइंट्स देखे, किसके मेन 5 पॉइंट्स जो हैं, या फिर हम लोग बोलें कि वेरियस की फीचर्स जो हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सबसे पहला फेडरलिज्म, फटाफट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फिर था सेपरेशन ऑफ पावर्स, उसके बाद हमने देखा क्या देखा, फंडामेंटल राइट्स, मतलब कोई भी मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़ को नहीं सताएगी और दबाएगी, और फिर था सेक्युलरिज्म, मतलब कि हर एक जगह, ऐसा नहीं होगा हमारी कंट्री के अंदर कि किसी भी जगह पर किसी एक स्पेशल रिलीजन को क्या करा जा रहा है, प्रमोट करा जा रहा है, ये बोला जा रहा है अच्छा अच्छा आप इस रिलीजन के हो, चलो फिर तो आपको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, आपको तो हम ये देंगे या फिर वो देंगे, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। डिस्कस करते हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स को, जो राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं। सबसे पहला तो है राइट टू इक्वालिटी। हर एक पर्सन हमारी कंट्री के अंदर इक्वल है लॉ के सामने, मतलब कि हम सब, चाहे हमारा कोई भी रिलीजन हो, चाहे कोई भी कास्ट हो, चाहे कैसा भी कलर हो, चाहे हम अमीर हो या गरीब हो, हम सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब ये है कि हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमारे पास, मतलब हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। चाइना जैसा नहीं है कि चाइना के अंदर अगर आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोला तो आपको जेल में डाल देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसका मतलब क्या है, मान लो आप 14 साल के हो या फिर 14 साल से कम एज के हो, और आपको कोई ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, या फिर आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, या फिर आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, तो उस चीज़ के अगेंस्ट भी गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी। अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या है, ज़बरदस्ती लोगों से काम कराया जाता है या बच्चों से ज़बरदस्ती कोई चीज़ कराई जाती है, तो उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंडर ही हम लोग कंसिडर करते हैं, या फिर कुछ बच्चों को बेक भी दिया जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप 14 ईयर्स के हो और आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है, या आप 14 ईयर्स से कम एज के हो, तो यहाँ पर आपके पास है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आप गवर्नमेंट के पास जा सकते हो, पुलिस के पास जा सकते हो, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर एक पर्सन के पास हमारी कंट्री के अंदर राइट है कि वो किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, मतलब कि आप किसी भी धर्म को, मान लो मैं अगर चाहूँ तो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करना चाहता हूँ, तो मैं वो चीज़ कर सकता हूँ हमारी कंट्री के अंदर, जबकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर ये परमिशन लोगों को नहीं होती। फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो हमारी कंट्री के अंदर ये राइट भी है कि कोई भी पर्सन किसी भी कल्चर को फॉलो कर सकता है, साथ ही में हमारे पास एजुकेशनल राइट्स भी हैं, मतलब हम लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं, अपनी कंप्लीट एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब यहाँ पर मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, इनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, मान लो आपने कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल दिया और आपको उसके लिए जेल में डाल दिया जाता है, तो आपको लग रहा है कि ये जो मेरा राइट टू फ्रीडम है इसको गवर्नमेंट छीन रही है, तो आप कहाँ पर जा सकते हो, आप जा सकते हो कोर्ट के पास
और कोर्ट को ये चीज़ बोल सकते हो कि जो गवर्नमेंट है उसने मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट छीना है, इसलिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी क्या होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, गवर्नमेंट के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो आई होप अब आपको यहाँ पर क्लियर होगा ये हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो हमारी गवर्नमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है और हमें हमारी गवर्नमेंट से ये फंडामेंटल राइट्स भी मिलते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग कि आपको सैंपल पेपर्स चाहिए इस चैप्टर के या फिर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, तो आपको मेंबर बनना पड़ेगा। मेंबरशिप पेड है तो आप मेंबर बन सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करके आप मेंबर बन सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। मनु से ज्ञान लेते रहो, सी यू इन द नेक्स्ट।